की बरकत आपको मिलेगी, आपको मिलेगी, आपको मिलेगी। कोई दूसरा आपकी इस बरकत को चुरा नहीं सकता है। रोजा भी रखें, कितने लोगों ने रोजा रखना चाहिए कि नहीं?
रखना चाहिए। अच्छा सिर्फ वो कहे रखना चाहिए जिन्होंने रखना है, इसलिए मैं सोच के कह रहा हूँ रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सिर्फ वो बोले जो जो मुंह से बोलेंगे वो उस बात के दायरे में आ जाएगा। रोजा वीक के अंदर कम से कम एक रोजा। बाइबल मुकद्दस में से हमने जिस हवाला को देखा है उसमें लिखा है दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। दो चीजों का इस जगह पर जिक्र है। एक आयत के अंदर पौलुस रसूल इस कलीसिया को इस जगह पर खत लिखते हुए दो चीजें सिखाना चाहता है। दो चीजों की रहनुमाई खुदा के रूह कुदस की कुदरत से उसको मिली है और वो उन चीजों को आगे पहुंचाना चाहता है और पौलुस रसूल ये सिखाना चाहता है इस कलीसिया के अंदर इसको ये कमी नजर आई है। पहली बात वो कलीसिया जो है वो दुआ में टाइम थोड़ा गुजारती है। दुआ में टाइम ये साथ रहना दुआ में टाइम थोड़ा गुजारती है और उसके बाद दुआ अगर करते हैं तो थोड़ी देर के लिए फर्जी दुआ की यानी फर्जी दुआ ऐसी होती है हम सुबह सवेरे उठे हमने जल्दी से अपने आप को रेडी किया ब्रश किया नहाए जो भी हमने हमारी तैयारी है उसको तैयारी की और जल्दी से हमने बाइबल पकड़ी और बाइबल खोली दो मिनट बाइबल पढ़ी एक जबूर पढ़ी खुदा मेरा छुपाने मुझे कमी ना होगी वो मुझे हरी हरी जगहों में उठाता है चले जी उसको कंप्लीट किया आगे तो खुदा मेरे माँ बाप को मेरे भाइयों को मेरे बहनों को सारे महल सारे कौम सारे शहर सारे पाकिस्तान सारियां जेड़े नो ओ तू बरकत दे दे। इतनी दुआ आपकी डेढ़ दो मिनट के अंदर कंप्लीट दुआ आपने सारे पाकिस्तान के लिए कर दी कितनी छोटी दुआ है दुआ छोटी और हो कितने लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए कर दी। अब हमारी रूटीन मुक्तसिर है हमने उठकर प्रेयर की 5 मिनट की प्रेयर 10 मिनट की प्रेयर हमने की सुबह सवेरे उठे हमने प्रेयर की जल्दी से हमें अपना कमरी पड़ी हुई है ओहो मैं ड्यूटी से लेट हो रहा ऐसा होगा वैसा होगा सारी चीजों की फिक्र है लेकिन प्रेयर का टाइम कम हो रहा है उसके लिए हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं। खुदा उस टाइम पर हमारे लिए आया हुआ है हमारे साथ बात करने के लिए नो प्रॉब्लम। यहां पर इस कलीसिया के अंदर एक कमी मौजूद थी वो दुआ को थोड़ा टाइम देते थे और अगर वो करते थे तो आप वो फर्जी दुआ करते थे। फर्जी दुआ जिस तरह मैंने आपको बताया है जो उठे रूटीन में दुआ की और उसके बाद अपनी हमारे अंदर ये बात डालता है वो तू तो बहुत दुआ करता है तू तो डेली दुआ करता है तू तो बाइबल डेली पढ़ता है तू कलाम को खोलता है ना तू बाइबल भी पढ़ता है तू बड़ा अच्छा करता है देख तूने ये भी किया तूने इतनी बाइबल मुकम्मल कर लिया तू रात को भी 5 मिनट दुआ करता है तू दुआ को तो है तुझे तो वैसे कहा जाता है कि तू दुआ नहीं करता और कैसी दुआ आती है ये एक रूटीन है फर्जी दुआ की हम फर्जी दुआ करते हैं यहां पर फर्जी दुआ थी। दूसरी बात दुआ के अंदर मशगूल रहने की बात है क्या रहने की मशगूल लफ्ज जो मशगूल है इसका मतलब जो निकाला गया है इजी अंडरस्टैंड करने के लिए जो इंग्लिश में इसको देखा जाता है कंटिन्यूअली यानी जारी रखना। मशगूल का मतलब क्या होता है किसी भी काम के अंदर मशगूल रहने का मतलब है उस काम को जारी रखना मसलसल उसको करते रहना। हम दुआ को एक टाइम में जो है वो कैद कर देते हैं 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट की दुआ जो टाइम है उसमें दुआ को हमने कैद कर लिया उसके बाद सारा दिन हमारी तवज्जो जो खुदा की तरफ नहीं आई बल्कि हमने क्या किया अपने दुनियावी कामों को जो है सारा दिन टाइम दिया।
यहां पर भी ये लोग क्या करते थे, एक फर्जी दुआ करते थे, उसके बाद अपने काम काज पर बिजनेस पर काम करते रहते, जो भी उनका उस वक्त का बिजनेस था वो करते थे। पलूस रसूल यहां पर जिस बात को सिखाना चाहता है, दुआ करने में मशगूल, इसका मतलब है कि दुआ करने की जो आदत है, दुआ करने का जो मेथड है, जो तरीकेकार है, वो ये नहीं है कि हमने 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा दुआ की, 5-10 मिनट सुबह 5-10 मिनट शाम को हम दुआ करें, बल्कि ये चीज पौलुस रसूल हमारे अंदर फीड करना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं उस वक्त की कलीसिया को, और आज उसी कलाम को खुदा मेरे लिए और आपके लिए बोल रहा है। दुआ जो है वो एक ड्यूटी नहीं है, दुआ एक फर्ज नहीं है, दुआ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दुआ जो है वो खुदा की तरफ से हम पर एक फर्ज है जो खुदा ने आयद किया है कि हमें खुदा के साथ गुफ्तगू करने के लिए उसके पास आना है, टाइम गुजारना है, उससे प्यार करना है। दुआ जो असल में है उसका मतलब ये है कि हम खुदा को ये साबित करते हैं कि अरे खुदा तूने मुझे जिंदगी दी है, आमीन, तूने मुझे जिंदगी दी है, तूने मुझे सेहत दी है, तूने मुझे घर दिया है, तूने मुझे फैमिली दी है, तूने मुझे जॉब दी है, तूने मुझे ब्लेसिंग दी है, तमाम तर बरकतों को याद करके जब हम दुआ करने के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं तो मेंटेलिटी जो हमारी है वो ये साबित करती है, हमारा माइंडसेट हुआ होता है कि मैं एक ऐसे खुदा की हजूरी में झुकने के लिए जा रहा हूं जिसको मैं ये साबित करना चाहता हूं कि खुदा तू मेरे लिए ऑनर की जगह पर है, तू मेरे लिए इज्जत की जगह पर है, मैं तुझे ये साबित कर रहा हूं कि मैं दुआ के बगैर कुछ नहीं हूं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, मैं तेरे बगैर खाली हूं, खुदा मैं दुआ करने आया हूं इस बात को तेरे साथ गुफ्तगू, दुआ का मतलब खुदा के साथ राब्ता, गुफ्तगू, मैं गुफ्तगू करने आया हूं, तुझे बताने आया हूं कि यार मेरे मालिक है, मेरे खुदा, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ तूने मुझे दिया है, जो मेरा घर है जिस पर मैं रहता हूं, मेरे बच्चे रहते हैं, जो तूने मुझे जॉब दी है, जो तूने मुझे कारोबार दिया है, जो तूने मुझे फैमिली दी है, जो तूने मुझे रुपया पैसा दिया है, खुदा ये मेरी ताकत से नहीं, ये मेरी अकल से नहीं, ये मेरे जोर से नहीं, ये मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि खुदावंद ये तेरे फजल से है, तेरी कुदरत से है, इसलिए मैं उसकी शुक्रगुजारी करने आया हूं ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और तुझे चला आगे। आमीन। जब हम दुआ करते नहीं तो उसका मतलब यह होता है कि हमने अपना माइंड सेट किया, बल्कि हमने नहीं, हमारे पीछे कोई ऐसी फिजाई अब्लीस की एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसने हमारे माइंड को सेट किया है कि तुझे दुआ की जरूरत नहीं है, देख तेरे पास पैसा है, देख तेरे पास अच्छा घर है, देख तेरे पास गाड़ी है, तेरे दोस्त ऐसे हैं, तेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, रिचेस फ्रेंड्स है तेरे पास, देख कितनी शान शौकत है तेरे पास, ये दुआएं करना उन लोगों का काम है जो गरीब छोटे लोग हैं। पब्लिस यहां तक बंदे को ऐसा बहकाता है, ऐसा उसका माइंड सेट करता है कि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की चीजों को प्रैक्टिकली कर करके गुरूर पैदा हो जाता है, और अगली ऐसा करता है कि एंड क्या होता है, आपने कई लोगों से सुना होगा वो चीज मेरे पास टाइम नहीं है, आपको पता है मेरी बहुत मसरूफियात है, आपको पता है मेरा बिजनेस बहुत वसी है, आपको पता है मैंने यहाँ पर जाना होता है, वहाँ पर जाना होता है, बस असल में फंसता है, मेरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो आपको बड़े क्वाइटली कही गई है, लेकिन उसके पीछे एक तकबर काम कर रहा है, एक स्पिरिट काम कर रही है, एक सोच काम कर रही है। अब्लीस ने उसको उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो इन अल्फाजों को बोलने में हिचकिचाए नहीं, उसका माइंड सेट कर दिया। ऐसी सोसाइटी
ऐसा माहौल, ऐसे लोग, ऐसी कंपनी जहां पर आप जाकर, जहां पर आप जाकर एक ऐसे माहौल के अंदर चले जाएं, आपका माइंड एकदम चेंज हो जाएगा, सोच चेंज हो जाएगी, आपका दिल करेगा जैसे ये कर रहे हैं थोड़ा सा मैं भी वैसे करूं, फिर आप थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद और थोड़ा सा करेंगे, ये एक सच्चाई बता रहा हूं। वो प्रैक्टिस करेंगे हाथों से, उसके बाद फिर होगा दो तीन दिन बाद वो कहीं ना कहीं कहेंगे यार मैंने हर तरह से मैं मेरे मामा पापा मानूंगी मैं नहीं पीनी नहीं, लेकिन मतलब करना किस तरह, एक सेल्फी बनवानी थी आप, उसके बाद क्या होगा वो सेल्फी मुंह तक जाएगी, उसके बाद क्या होगा माइंड सेट करता है लोगों का कि आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है, प्रेयर की उन लोगों की दुआओं को जरूरत है जिनके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तेरे पास खुदा ने दिया हुआ सब कुछ है, खुदा ने तुझे बहुत कुछ दिया है। जब बंदे का माइंड सेट अपनी कर देता है, और अपनी जरूरी नहीं, याद रखिएगा जब अपनी इसकी बात होगी तो बाजू का तुम्हारे जेहन में एक क्वेश्चन आता है, शायद ये बहुत सारे लोगों के जेहन में हो कि नहीं मैंने देखा, मुझे नहीं कभी उसने कहा, अब प्लीज आपके सामने वो ये नहीं होगा जैसे तस्वीर में प्लीज को शो किया जाता है, उसके सींग होते हैं, उसकी दुम होती है, लाल सा उसने पहना होता है, ये प्लीज नहीं होता। अब प्लीज किसी एक शख्स को खड़ा करेगा, उसकी सोच को तब्दील करेगा, और वो आपकी सोच को तब्दील करेगा। अब प्लीज डायरेक्ट आपके साथ बात नहीं करेगा, डायरेक्टली किसी माहौल के जरिए वो आपके साथ बात करेगा। यहां पर जो पौलुस रसूल बात करता है वो कहता है कि दुआ करने की एक टाइम की आदत नहीं बल्कि मशगूल का मतलब है कंटिन्यू, और अगर इसको इसकी जो ग्रीक है उसमें चले जाए या अगर इसको हम जाकर बाइबल की असल लैंग्वेज में देखें तो इसको वहां पर समझने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि हमें दुआ इस तरह करनी चाहिए या करते रहना चाहिए कि जिस तरह अगर हम दुआ छोड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, यानी इस सोच को हमारे अंदर रखना चाहिए। जो खुदा असल कलाम कर रहा था पौलुस के जरिए वो ये था कि दुआ इस तरह हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि अगर मैंने दुआ छोड़ी तो मेरी बर्बादी हो सकती है, अब्लीस मुझे तबाह कर सकता है। यहां पर इसका असल मैंने जो है वो ये भी नहीं देखा मशगूल रहने कि जो ही मेरी दुआ कम हुई, जो ही मेरी दुआ की कमजोरी हुई, जो ही मैंने जो है वो हर वक्त दुआ ना की, तो क्या होगा अब्लीस मौका पाकर कहीं ना कहीं से घुस जाएगा और वो नुकसान करेगा, और फिर उस नुकसान को रिकवर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं जब इस बात को सीख रहा था तो मैं कंपैरिजन कर रहा था, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं सीख रहा था इसको कि जब हम अपनी जिंदगी के डिसिप्लिन को देखते हैं, यानी जिंदगी के असूलों को देखते हैं, तरतीब को देखते हैं, तो हमारी जिंदगी एक तरतीब में चलती है। याद रखिएगा हमने बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आप चाहे 3 बजे सो रहे हैं, आप चाहे 2 बजे सो रहे हैं रात को, आपके बच्चे ने 7 बजे स्कूल पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, आप 8 बजे उठेंगे, कभी भी नहीं उठेंगे। ऐसा होगा कि आपको ये जिम्मेदारी है, आपको पता है कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने स्कूल पहुंचना है तो मैंने क्या करना है, मैंने 7 बजे पहुंचाना है तो मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा, मुझे उसको रेडी करना पड़ेगा, मुझे उसको स्कूल पहुंचाना पड़ेगा, मुझे उस जगह पर जहां पर वो एजुकेशन हासिल कर रहा है उसको टाइम से पहले वहां पर भेजना है ताकि वो सीख पाए। अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको एक तरतीब कहा जाता है, यानी जो तालीम है वो एक सलीका है, वो तरतीब है, और अगर हम उस तरतीब में नहीं आते, हम अपने बच्चों को स्कूल का टाइम जो है वो 7 बजे का या 8 बजे का है तो हम बच्चे को 1 घंटा लेट भेजते हैं तो स्कूल वाले क्या होंगे, किसी दिन ऐसा होगा 2-3 दिन बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद क्या होगा स्कूल वाले क्या करेंगे, बच्चे को आपके बच्चे को बुलाएंगे आपको और आप कहेंगे आपको कि आपका बच्चा हमारे इस डिसिप्लिन के अंदर नहीं चल रहा इसलिए हम इसको यहां पर एडमिट नहीं रखेंगे। आमीन। एक छोटी सी जिम्मेदारी, हमें उस जगह की तरतीब के मुताबिक चलना होता है,
उस असूल के मुताबिक चलना होता है। वहां पर स्कूल के अंदर हमारे असूल नहीं चलते, बल्कि काम किसके चलते हैं, स्कूल के अपने असूल चलते हैं। ऐसे स्कूल की तरतीब के साथ चलना पड़ता है, ऐसे ही है। इसका मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 3 बजे भी सोता हूँ तो मुझे 7 बजे अपने बेटे को स्कूल, 7 बजने में 5 मिनट पहले पहुंचाना होता है। So, मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं ये सीख रहा था कि जब हम जिंदगी की तरतीब में हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल के एग्जांपल दिया, उसके बाद हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी का टाइम 8 बजे का है, तो हम कुछ भी हो जाए, क्योंकि 3 दिन लेट जाने से क्या होता है, वो एक छुट्टी काउंट कर लेते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें 3 दिन आप 15 मिनट लेट जाओ तो उससे क्या होगा, आपका एक दिन जो है, आपकी एक दिहाड़ी जो है उसको काट दिया जाएगा, आपकी पेमेंट में से, सैलरी में से वो काट ही जाएगी। जी कितने ड्यूटी वाले हैं, ऐसे ही है जिनको ड्यूटी का तजर्बा है, हाँ जी है कि नहीं, हाँ जी। बहनों में से भी जितने ड्यूटी वाले उनको तजर्बा होगा कि 3 दिन अगर लेट जाओ तो क्या होता है, वो आपको बताते भी नहीं, एक छुट्टी काटी जाती है। तो होता क्या है कि हम अपनी जिंदगी के डिसिप्लिन को बड़ा जबरदस्त रखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं कि खुशी के साथ, अब ड्यूटी को जरूरी नहीं, हर रोज हम ड्यूटी पे खुशी के साथ जाते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम उस डिसिप्लिन से हट नहीं सकते। कि यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें दुआ में मशगूल रहना है, यानी कंटिन्यूली हम उठे, हमने प्रेयर किया, उसके बाद काम पर जा रहे, रास्ते में जाते भी हमें दुआ करनी चाहिए, रास्ते में जाते हमारे लबों पर वर्शिप होनी चाहिए, हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, हमें खुदा के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। ड्यूटी काम कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, जब आपकी सोच जो है वो खुदा की तरफ होनी चाहिए, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि मैं खुदा का बेटा हूं, बेटी हूं, खुदा ने मुझे अपने बेटे यीशु के वसीला से चुना है, मुझे मुकर्रर किया है, मुझे खड़ा किया है, मुझे उसके साथ रابطے में रहना। जब आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है तब भी खुदा आपके इर्द गिर्द मौजूद है, उसकी हजूरी मौजूद है। जैसे आप बोलेंगे खुदा की हजूरी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी, आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे, आप उस अनॉइंटिंग को अपने ऊपर महसूस करना शुरू कर देंगे। और बाज़ू का ऐसा होता है कि आप रोड पर जा रहे हैं, बाज़ू का आप ड्यूटी पर हैं, और जैसे आपकी तवज्जो खुदा की तरफ जाती है, खुदा एकदम आपके साथ बोलना शुरू कर देता है, किसी भी तरीके से, खुदा के बोलने के मुख्तलिफ तरीके, लेकिन किसी भी वक्त खुदा आपके साथ बोल सकता है। हालेलुया। उसका एक तरीका यह हो सकता है कि खुदा, मुझे किसी ने बताया कि हम एक जगह पर काम कर रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, हमने कम काम बंद कर दिया और काम बंद कर हम जो है पानी निकाल रहे थे, हमने मशीन लगाई थी, काम बंद करके हम थोड़ा सा बाहर गए तो जिस जगह पर हम खड़े थे वो कमरा गिर गया। वो दुआ की बात मैं बता रहा है कि हम दुआ करते थे तो कहता एकदम पता नहीं कैसे हुआ, हम तीनों लोग थे, हम तीनों बाहर निकल गए। जब आपकी तवज्जो खुदा की तरफ होगी, आप खुदा में मशगूल रहेंगे तो क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा आपको, खुदा आपको नुकसान से, मुसीबतों से, परेशानियों से ऐसा जरिया बनाएगा, ऐसा कोई ना कोई तरीका निकालेगा कि आप उस मुसीबत से जो आने वाली है उससे निकल पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक नौजवान बैठा है, उसने मुझे एक बार वाकया बताया कि हम कहीं पर जा रहे थे और गाड़ियों को टक्कर हो गई आपस में, और टक्कर हो गई और मैं बाइक पे था, मेरी बाइक जो थी वो प्रीमियर के नीचे चली गई, प्रीमियर गाड़ी जो चलती थी जो यहाँ पर होती है बड़ी बस होती है उसके नीचे चली गई, और सारे लोगों ने कहा कि आप तो नहीं बचेगा, सारे रोना शुरू हो गए, तो कहते कि गाड़ी रुक गई और मैं हौली हौली प्रीमियर के थल से ही बाहर आ गया। अमजद भाई ऐसे ही है, अमजद भाई बैठे हुए, ये कितने साल पहले की बात है, ये 2000 साल की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मशगूल रहते हैं, इनकी वादा दुआ होती, जब हम मशगूल रहते हमारी दुआ की वजह से हमारे बच्चे हम महफूज रहते हैं। दुआ करने से, मशहूर रहने से क्या होता है,
हम जिंदगी के नुकसान से बच जाते हैं। हालेलुया। खुदा हमें महफूज रखता है। हजारों वाक्यात ऐसे मेरी जिंदगी के अंदर है, आपकी जिंदगी के अंदर है, खुदा ने आपको किए। सो मैं बात कर रहा था कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मशगूल रहो और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। दूसरी बात, पहले मशगूल रहना और उसके बाद जो है वो बेदार रहना, और बेदार रहना किस तरह है? शुक्रगुजारी के साथ। आमीन। ये नहीं है कि अक्के सके बेदार रहना है। उन भाई साहब ने कहा था अज तो आ तो नहीं है फलानी जगह मैं कि जावा ना करने चाड़ा भी है उन्होंने ना तो किया जाए तेरह गल पाठशाह लगे इन्होंने गलों में पैसे है साढ़े को नहीं है उन्होंने साढ़े हालातों का की पता किमें असं मैनेज कर रहे किमें नहीं कर रहे। ये सारी बातें शुक्रगुजारी नहीं होती है, अकना होता है। और बाइबल तो मैं भी ये गल सिखाना, बाइबल का मफहूम यह है कि सानू खुदा के नाल जो चलना है तो ना अकना है तो ना अकना है। आमीन। घर बैठे आपके सलाम और इसमें पता है पाठशाह तो आपके कामों का पता है उन्हें तो इंजी करना उन्हें तो इंजी करना। ये नहीं पता कि जो कुछ खुदा कह रहा है खुदा किसी वजह से कह रहा है बड़े वक्त में मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, ये नहीं हमें पता। पौलुस रसूल यहाँ पर सिखाता है कि मशगूल रहना है शुक्रगुजारी करते हुए और बेदार रहना। बेदार का मतलब है एक्टिव रहना, जागते हुए भी उससे ज्यादा जागना। अगर आप जाग रहे हैं तो जागते हुए भी लोग कहीं के कहीं पहुंचे होते, बैठे कितने होंगे ने ते पहुंचे। बाज का तो ऐसा होता है कि बैठी यहाँ पर है और ध्यान ड्यूटी पर है, इसलिए बेदार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस रसूल सिखाता है हमें खुदा में मशगूल रहना है, यानी उसमें जो है हो जाना है, उसमें जो है अपनी सोच को जो है वो हमेशा बाउंड रखना है, वहां पर ही हमारी सोच रहे। अगर दुनिया के 50, 100 और 200 हजार बंदा भी एक तरफ बुराई कर रहा है, एक तरफ जो है हमें दूसरी तरफ लेकर जा रहा है, हमारे टारगेट से हटा रहा है और हमें जो है उस जगह पर लेकर जा रहा है जहां पर हमारा नुकसान हो, वो नुकसान किसी तरह का भी हो, वो नुकसान पैसे का हो, वो नुकसान जो है वो फिजिकली हो, वो नुकसान जो है आपके स्पिरिचुअली हो, वो किसी तरह का लॉस हो, किसी तरह के लॉस की तरफ भी आप किसी के लिए आपको लेकर जा रहा है, तो समझ जाए कि मुझे जो है बेदार रहकर इसको जवाब देना है, मुझे बेदार रहकर इसको जो है वो आगे से फाइट करके समझाना है कि नहीं मेरा मकसद ये है, मेरा टारगेट ये है, मुझे जो है वो खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है, मैं ये करूँगा फिर ही मैं खुदा को पसंद आऊंगा और मैं सरफराजी की तरफ जाऊंगा। हालेलुया। 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 इसलिए हमें एक्टिव रहना है। बेदार का मतलब है एक्टिव रहना। जब मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था तो मैं देख रहा था कि हम अपने बच्चों के डिसिप्लिन जो है वो अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, अपने डिसिप्लिन अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, हम तरतीब में जिंदगी के तमाम मामलात में हम तरतीब में चलने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारी बेटियां जो है वो ऐसे असूल पसंद हों कि कोई दुनिया में इनको देखे तो वो कहे कि ये फलां का बेटा है, कितनी इसको तमीज है, कितना जो है वो जबरदस्त जिंदगी को गुजारता है, ये कितने असूलों के साथ चलता है, ये बदतमीजी नहीं करता, ये दाएं बाएं नहीं जाता, अपने काम से काम रखता है। हम जिंदगी के तमाम तरीकों को जो है अच्छे तरीकों को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, डिसिप्लिन को अपनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअली बात करते हैं तो हमारे लिए जो है वो प्रायोरिटी नहीं है खुदा की, हम खुदा को पहला दर्जा नहीं देते, हम खुदा की जो है वो उसकी अहमियत को नहीं समझते। वहां पर आकर हमारा डिसिप्लिन जो है वो अपनी तरतीब ले लेता है, वहां पर बाइबल का डिसिप्लिन नहीं की तरफ से ऐड करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। वहां पर हम ये नहीं सोचते कि बाइबल ये कहती है कि मुझे हर रोज खुदा की तरफ तवज्जो करनी है, बाइबल ये कहती है मुझे बेदार रहना है, बाइबल ये कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी जो है इन असूलों के मुताबिक गुजारनी है, मुझे दुनिया के इन कामों की तरफ नहीं जाना। लेकिन हम यह करते हैं जब हमें मौका मिला, कहीं शादी पर मौका मिला, थोड़ा सा हमें जो है झुकने का मौका मिला, कहीं मेहंदी पर मौका मिला, कहीं महफिल में मौका मिला, कहीं बर्थडे पर मौका मिला, तो हमने थोड़ा सा दोस्तों के साथ, दोस्तों कजनों के साथ, भाइयों के साथ हल्का सा एंजॉय करके अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर जो है उसको लूज कर दिया और हमें आइडिया भी हुआ, हमें इसमें पता भी लगने दिया, लेकिन बहुत सारी हमारी रूहानी ताकत जो है वो लूज हो चुकी है।
विदाउट डिसिप्लिन। अगर आप फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्या मैंने कहा? फतेहमंद जिंदगी को। अगर आप खुशी में रहना चाहते हैं तो दुखों में से गुजरना पड़ेगा। अगर आप फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मसीह के कलाम पर अमल करके आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा दुनिया की रस्मों को, दुनिया के कामों को। आपको अपनी जिंदगी से खत्म करना पड़ेगा। मसीह में रहते हुए, मसीह के साथ चलते हुए आपको दुनिया के कामों को अपनी जिंदगी से खारिज करना है, और खारिज करके उस पर कायम रहना जरूरी है। अगर आप फतेहमंद जिंदगी विक्टोरियस को चाहते हैं, अगर आप जॉयस चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर इंजॉय करना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, जॉय करना चाहते हैं, तो मसीह के साथ आपको ऐसा तरीका जिंदगी का डिसिप्लिन बनाना है जिसमें मसीह की खुशी आपके जिंदगी के अंदर हो। पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं अपने बदन के ऊपर मसीह के जो है वो क्या लिए फिरता हूँ, क्या लिखा है, ताग लिए फिरता हूँ। आमीन। यानी उसको चोटें लगी थी, दाग का मतलब ये नहीं कि उसको वो गंदे दाग, चोटें लगी हुई थी, कहीं से उसकी हड्डी को तोड़ा गया है, कहीं से उसको जो है वो कोई जख्म लगा गया है, कहीं से किसी ने कुछ। वो कहता है मेरी पूरी बॉडी, तो वो डिटेल बयान करता है, कहते हैं एक आम चोरी 40 कोड़े मुझे लगे, मैंने यहाँ पर समुद्रों में ये बर्दाश्त किया, मैं मसीह की खातर दुखों को बर्दाश्त करता हूँ। बताना मैं चाहता हूँ, अगर हमने मसीह को कबूल कर लिया है तो दुखों से, परेशानियों से घबराए ना, ये दुख आपको हमेशा की तसल्ली देते हैं, ये आपको सुकून देते हैं, आपको इत्मीनान देते हैं। दुनिया के अंदर ये दुख नजर आ रहे हैं, बल्कि ये एक सीखने का प्रोसीजर है, तरीकेकार है। मसीह ऐसा करता है, हमें उन दुखों में से गुजरने देता है ताकि हम सीख पाए, हम समझ पाए कि मसीह कैसे हमसे खिदमत लेना चाहता है, मसीह कैसे चाहता है कि हम जिंदगी बसर करें। याद रखिएगा, उतनी देर तक बड़ी बरकतें आपके पास नहीं आएंगी जिनको आप सोचते हैं, जब तक आप उन मसाइल से नहीं गुजरेंगे। क्योंकि बाइबल में ये बात बड़े वाज़ह तौर पर लिखी, जब तक बीज जमीन के अंदर मर नहीं जाता उसके अंदर से पौधा नहीं निकलता। जब बीज को दबाया जाता है जमीन के अंदर तो वो गल जाता है, वो सड़ जाता है, वो टेंट हो जाता है, और फिर जब वो जमीन की हीट उसे टेंट करती है और जमीन की मट्टी उसे टेंट करती है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर उस जमीन के अंदर से उसी बीज के मरने की वजह से, कुर्बानी देने की वजह से, उसी बीज के उस जमीन में तपन होने की वजह से, फिर उसी बीज के अंदर से फिर पौधा एक निकलता है, एक कॉम्पल निकलती है, छोटा सा पौधा निकलता है, एक पत्ता निकलता है, एक तना निकलता है, और फिर वो तना बड़ा होता जाता है। जब एक पत्ता निकलता है एक बीज के मरने से, तो बीज मरते मरते कुर्बानी देते देते ये इतनी ताकत अपने अंदर रखता है, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा की कुदरत उसके अंदर, खुदा की खास ब्लेसिंग उसके अंदर इतनी होती है कि पहले तो वो जमीन के अंदर खत्म हो रहा होता है, पिसा जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो पिस जाता है, मुकम्मल खत्म हो जाता है, उस बीज जो वो फट जाता है, बीज के अंदर तना होता है, जब वो खत्म होता है, फट जाता है, तो उसके अंदर से वो तना निकलता है। फिर चाहे मट्टी जितनी मर्जी कैरी हो, मट्टी चाहे जितनी मर्जी वसनी हो, जो मर्जी ऊपर हो, इवन तेल के दीवारों के अंदर से भी तने फाड़ कर दीवारों को निकल आते हैं। अगर मसीह को समझते समझते, अगर मसीह के साथ हम दुख पा रहे हैं, हमें अपनी जो है आदतों की वजह से असल में दुख मिलता है, हमें अपनी हरकतों की वजह से दुख मिलता है, हम मसीह में ज्यादा मशहूर नहीं होते, हम सारे कामों को साथ साथ करना चाहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जो है मसीह के साथ चल रहे हैं, इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मसीह ऐसा करता है कि आप मसीह के साथ चल तो रहे हैं, आपको सुबह का टाइम दुख मिला है, लेकिन शाम सुबह का टाइम आपको जो है परेशानी है, सैड है आप, लेकिन दोपहर के टाइम
सोच चेंज कर देगा और शाम को दोपहर के टाइम आपको बताएगा, आपको फील कराएगा कि मैं तेरे साथ हूं, तू परेशान ना हो, देख मैं तेरे साथ हूं, तुझे छोड़ नहीं रहा, और दोपहर के टाइम तुझे गाइड कर रहा हूं, और रात के वक्त वो ही उसी दिन में मौजज़ा करके ये साबित करेगा कि देख मैंने तुझे कहा था और अब मैंने साबित किया। हालेलुया। अगर मसीह मशहूर रहेंगे, अगर मसीह में मशहूर रहेंगे तो फिर हम फतह मंजिलेंगे, ब्लेसिंग को हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी से डिसिप्लिन को निकालेंगे, तरतीब को निकालेंगे, तो आप उस जिंदगी को खत्म कर देंगे। खुदा को ये प्लान अच्छा लगा कि वो अपने बेटे को आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान करे। हालेलुया। और उसने अपने बेटे को कुर्बान किया मेरे लिए, आपके लिए उसने कुर्बान किया, और उसने एक तरतीब दी। वो तरतीब ये है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा। ईमान लाने का मतलब, मफहूम, मकसद ये है, उसी के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्रिश्चियन जो लफ्ज है इसका मतलब ये है, उर्दू में वो है मसीही। मसीही यानी लाइक क्राइस्ट, मसीह की तरह, मसीह की मानत। तो अगर हम इसको देखें तो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि जो यीशु पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि, यानी ईमान लाने का मतलब है अपने ईमान से, अपनी बातों से, अपनी तरतीब से हटना और उसकी तरतीब में आ जाना, उसके सलीके में आ जाना, उसके तरीके में आ जाना, उसकी हिकमत को ले लेना, उसको कहना कि खुदावंद देख मेरी अकल कुछ नहीं है। और अगर हम रेगुलर प्रे नहीं करते, दुआ में मशगूल नहीं रहते, तो याद रखिएगा हम ये साबित करते हैं कि खुदा मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मुझे दुआओं की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो ये है। खुदा को ये बात दुआ करना ना करना, खुदा को हम ये बताते हैं, जो लोग दुआ नहीं करते वो ये साबित करते हैं बोलकर नहीं, अपनी एटीट्यूड हरकतों से, अपनी आदतों दुआ ना करने की वजह से वो ये साबित करते हैं। वो कह नहीं रहे लेकिन वो साबित ये कर रहे हैं कि खुदा मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, खुदा मैं अपने पैसे में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, कभी मैं किसी शहर में होता हूँ, कभी मैं किसी मुल्क में होता हूँ, कभी मैं जो है वो फ्लाई कर रहा होता हूँ, कभी मैं मीटिंग के अंदर होता हूँ, मेरी बिजी, मेरा बिजनेस इतना है, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, मेरे पास जो है वो चर्च के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास खुदा के लिए टाइम नहीं है, इबादतों के लिए टाइम नहीं है, ये खुदा के लोगों का काम है, ये इबादत करने वाले लोगों का काम है, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े लेवल पर, और बहुत बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को करते हैं, उनका माइंड सेट करता है, अपने सुख को मशगूल नहीं होने देता, खुदा की तरतीब में नहीं आने देता। तो हम जब दुआ नहीं करते, हर रोज बिना नारा दुआ नहीं करते, तो ये साबित करते हैं कि हमें दुआओं की जरूरत नहीं है। और जो दुआ करता है वो जितना मर्जी वसी हो, अगर वो दुआ करता है तो वो साबित करता है खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे तो सरफराज किया है, तूने मुझे तो बहाल किया है, तूने मुझे तो सिलाई किया है, इसलिए मैं तुझे भूल नहीं सकता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार कर रहा था और मुझे समझ आई है कि तूने प्यार करके अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान किया, इसलिए आए बाप मैं अपनी जिंदगी से तुझे जवाब देना चाहता हूँ। जब हम टाइम निकाल कर खुदा के घर में आते हैं, जब खुदा के कलाम को खोलते हैं, तो हम खुदा को ये साबित करते हैं कि खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों